ये देखे फ्रेंड्स, माउथ वाटरिंग सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन की सब्जी बहुत ही अच्छा व्यंजन होती है, लेकिन इसका टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आता है। और वो कहते हैं ना, जो चीज़ हेल्दी होती है वो इतनी टेस्टी नहीं होती। लेकिन आज मैं इस वीडियो में सोयाबीन की ऐसी सब्जी बनाना बताऊंगी जो इतनी टेस्टी होगी कि इसे आप एक बार बनाकर खा लोगे तो बार बार इस सब्जी की डिमांड करोगे। तो चलिए सोयाबीन की एकदम हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रेखा सिरा किचन में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सोया चंक्स लिया है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज के सोया चंक्स ले रही हूँ। आपके पास जो भी सोया चंक्स हो आप वो ले सकते हो। अब हम सोया बड़ी के अंदर गर्म पानी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक। अब नमक और सोया बड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सोया बड़ी हमारी 10-15 मिनट के लिए भीग रही है, तब तक हम कुछ मसाले पीस के तैयार कर लेंगे। 15 से 20 लहसुन की कली, 3 हरी मिर्च, छोटे छोटे 4 अदरक के टुकड़े। अब इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अब इनका फाइन पेस्ट पीस के तैयार कर लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का फाइन पेस्ट पीस के तैयार है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम ढक्कन हटाकर सोया बड़ी को चेक कर लेंगे। सोया बड़ी हमारी अच्छे से फूल गई है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम सोया बड़ी को निचोड़कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। सोया बड़ी को मैंने यहाँ पे अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम सोया बड़ी के ऊपर कोट करने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। 4 चम्मच बेसन लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और अब डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन मसालों को सोयाबीन के ऊपर डाल देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को हाथ से सोयाबीन के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। यहां पर हमें मसाले को हाथ से अच्छे से मिलाना है। मसाले यहां पर चम्मच की सहायता से नहीं मिल पाएंगे। सोया बड़ी के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो गई है। सोया बड़ी पे हमें मसालों की ज्यादा गाढ़ी कोटिंग नहीं करनी है, हल्की कोटिंग रखनी है। ये देखिए, सोया बड़ी पे एकदम परफेक्ट कोटिंग हुई है। अब हम सोया बड़ी को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सोया बड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच सरसों का ऑयल गरम कर लिया है। अब ऑयल के अंदर हम सभी सोया बड़ी को डाल देंगे। अब हम सोया बड़ी को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। सोया बड़ी हमारी अच्छे से लाल कलर की हो गई है और ऊपर वाली लेयर इसकी एकदम क्रिस्पी हो गई है। आप इस स्टेज पर आप इन सोया बड़ियों को बच्चों को खिलाइए स्नैक्स के रूप में, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो। अब गैस का फ्लेम बंद करके सोया बड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। सोया बड़ी की सब्जी बनाने के लिए आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल के अंदर 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे।
अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक तेज पत्ता, दो सूखी हुई लाल मिर्च, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और दो छोटी इलायची, दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनका मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में डाल के भून लेंगे। अब बचा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब सूखे मसाले ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर को पीस के लिया है, इसको डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हो। अब हम मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले से ऑयल अलग नहीं होने लग जाता। मसालों से ऑयल अलग होने लग गया है, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मसाले के अंदर सोया बड़ी को डाल देंगे। अब हम सोया बड़ी को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको सोयाबीन की सूखी सब्जी खाना पसंद हो तो आप इस स्टेज पर इसको सर्व कर सकते हो, और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। अब मैं सब्जी के अंदर एक गिलास गर्म पानी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे सब्जी के अंदर 2 गिलास गर्म पानी डाला है। आप सब्जी की थिकनेस के अकॉर्डिंग गर्म पानी कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम सब्जी को ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जी हमारी 2 से 3 मिनट के लिए पक रही है, तब तक हम सब्जी में डालने के लिए कसूरी मेथी को रोस्ट कर लेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जी को ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। अब हम रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को मसल के और सब्जी में डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखे फ्रेंड्स, माउथ वाटरिंग सोया बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आई है, ना ही हमारी सब्जी ज्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। अगर फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से सोयाबीन की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे तो ये सब्जी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, माउथ वाटरिंग सोया बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम सब्जी के अंदर हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। अब इस गर्मा गर्म और हेल्दी सब्जी को सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, माउथ वाटरिंग सोया बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बनाए गए तरीके से सोया बड़ी की सब्जी बनाकर जरूर खाइए, ये सब्जी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की माउथ वाटरिंग रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और आपका अपना चैनल रेखा सीरा किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद फ्रेंड्स।